so good to be here. Spiti Pyare. I had told you guys in my first series of Spiti videos back in 2018. Today is 5th of March 2021 and once again I have managed to reach Spiti. मैं हूँ आज टापू में. टापू के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगी थोड़ी देर में. लेट मी जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सन विच इज़ एक्चुअली वेरी हार्श बट कंसिडरिंग द कोल्ड यू फील हियर दिस इज़ गुड. दिस डेफिनेटली फील्स गुड. अनफॉर्चुनेटली आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है तो इस वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बट आई विल मेक श्योर कि आई एम एबल टू शूट दिस व्लॉग आराम आराम से करूँगी. वैसे भी आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव कि मैं स्पिति वापस से पहुँच चुकी हूँ. पिछले एक साल से इट वॉज माई प्लान टू कम टू स्पिति इन विंटर बट ड्यू टू कोविड इट कुड नॉट हैपन. So Tabu is a small town in Lahaul Spiti district, Himachal Pradesh में. और ये जो है Rekongpio और Kaza के बीच में पड़ता है. मेरा ये first time है Tabu. Last time मैं जब Spiti आई थी तो I had come via Manali. तो मैं Loser होते हुए Spiti enter करी थी. But this time because I took that Shimla वाला route, तो Naku cross करके Tabu पहुँची हूँ. And Tabu is the first, I mean, entry point of Spiti Valley. मुझे एक बात नहीं पता, मुझे स्पिति दोबारा आके वापस से स्पिति आने की खुशी है या फिर जो मैं लद्दाख से आने के बाद समथिंग इज मिसिंग इन मी. मुझे लगता है कुछ मैं लद्दाख में छोड़ के आ चुकी हूँ. यहाँ पे आके इट्स लाइक रिमाइंडिंग मी ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ओवरऑल स्पिति आके मुझे अपना पुराना ट्रिप स्पिति का लास्ट वाला और लद्दाख की ट्रिप दोनों ही बहुत ज़्यादा याद आ रही है. इतनी शांति है यहाँ पे. आई कैन लिटरली सी नो वन. Tabu is situated on the bank of Spiti River. फिलहाल Spiti River में बहुत कम पानी है. Last time जैसे मैंने देखा था it was like literally overflowing. But इस बार नहीं है, it's almost dry. I'm inside the campus of this Tabu monastery complex. ये जो पूरी जो complex है ये तीन section में बटा हुआ है. ये वाला जो part है as you can see ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है. This part is the oldest one. ये old monastery है. इस complex के अंदर there are 9 temples. So this is one temple. The Bodhisattva Maitreya temple. ये बंद है अभी. इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे. तो आप कभी Tabu आओगे. वैसे Tabu इज़ ऑलरेडी फेमस फॉर दिस मोनेस्ट्री. लाइक ये पूरा जो Tabu टाउन है इट सराउंड्स दिस मोनेस्ट्री. तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपको मोनेस्ट्री आना ही आना पड़ेगा. सबसे 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 जो इंटरेस्टिंग बात है इस Tabu मोनेस्ट्री की दैट दिस इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पिति. कुछ हज़ार साल पुराना है. समवेयर अराउंड 960 AD में बना था ये मोनेस्ट्री. और यहाँ पे एक्चुअली अभी कोविड की वजह से आई कैन नॉट सी द मॉन्क्स बट आप नॉर्मल टाइम पे आओगे तो यू विल सी दिस प्लेस फुल ऑफ मॉन्क्स एंड लामाज. तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है. सो ये वाला जो पूरा एरिया है दिस इज़ द ओल्ड मोनेस्ट्री. उधर वाला जो है दैट यू कैन सी इज़ द न्यू वन. थोड़ी देर में वहाँ पे भी चलते हैं.
हमारे सारे छोटे लामा लोग वहाँ गए ना स्टडी के लिए, गए कर्नाटक गए साउथ, वहाँ स्टडी करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे मॉन्क्स नहीं है, इनफैक्ट एज यू हर्ड द सीनियर मॉन्क सेइंग कि वो लोग सब जो लामाज है वो कर्नाटक गए हुए हैं स्टडी के लिए, और जो सीनियर मॉन्क है वो अभी कहीं बाहर गए हुए हैं पूजा करवाने के लिए, तो वी विल नॉट बी एबल टू मीट देम। सो अभी हम ओल्ड वाले मोनास्ट्री से बाहर निकल चुके हैं, जस्ट नेक्स्ट टू इट इज़ द न्यू मोनास्ट्री। एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो पूरी मोनास्ट्री है 1975 में जो किन्नौर में अर्थक्वेक आई थी उस वजह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो इसको वापस से रीस्टोर किया गया। देर इज़ ऑल्सो दिस मोनास्ट्री गेस्ट हाउस, अभी तो फिलहाल ये बंद है बट यू डू हैव एन ऑप्शन टू स्टे हियर, यहाँ पे चार्जेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टाबो मोनास्ट्री, इट इज़ सेट टू बी द अजंता ऑफ द हिमालयस बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। स्पिति के जितने भी मोनास्ट्रीज होते हैं, इनफैक्ट मैंने जितने भी मोनास्ट्रीज आज तक देखी हैं वो सब हिल्स पे होते हैं। ये जो टाबो मोनास्ट्री है ये बिल्कुल वैली के बॉटम में है, एज इन आप आराम से बिना कोई चढ़ाई किए हुए ये मोनास्ट्री एंटर कर सकते हो। की मोनास्ट्री जो है जो कि काजा के पास है, इट इज़ द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट मोनास्ट्री इन स्पिति, बट ये जो टाबो मोनास्ट्री है दिस इज़ द ओल्डेस्ट। सो दिस प्रेयर व्हील्स, आप कहीं भी मोनास्ट्री में जाओ इट शुड ऑलवेज बी लाइक यू नो, आप जब भी इसको रोटेट करते हो क्लॉकवाइज में रोटेट करो। अगर आप कभी स्पिति नहीं आए हो तो मे बी यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि ऐसा क्या है टाबो में कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। मैं बताती हूँ, यहाँ की जो शांति है ना, एक अलग सा नशा है यहाँ की शांति में, एंड ट्रस्ट मी एक बार आप यहाँ पे आए ना, बार बार हर बार आपको यहाँ पे आने का मन करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरा करता है। एक बिल्कुल ही अलग तरह का सुकून है यहाँ पे, आप यहाँ पे घंटों 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 बैठ सकते हो। यहाँ से कुछ 200 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ केव्स हैं। मोनास्ट्री वाले रास्ते से जब आप निकलोगे आपको ये दुकान दिखाई देगी, विजय कुमार एंड सन्स। इसके राइट ऑपोजिट साइड से यू हैव टू टेक ऑलमोस्ट 200 टू 300 मीटर का स्टेप्स एंड देन हम पहुंच जाएंगे केव के अंदर। Behind me what you can see, these are Tabo caves, बहुत सारे हैं इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे। ये जो caves है ना, पहले के time पे जो monks होते थे monastery के अंदर, वो लोग जब यहाँ पे, क्योंकि स्पिति में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो winter is very 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 harsh, तो उस ठंड से बचने के लिए वो यहाँ पे आके रहते थे, लेकिन अब वो जो केव्स हैं ये सारे केव्स मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एयरसाइड साइट, एंड यहाँ से इस जगह से बैठ कर यू कैन गेट द एंटायर व्यू ऑफ दिस टाबो टाउन। यहाँ पे एक डॉग है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हेलो, विल यू लेट मी शूट प्लीज, कभी आके कैमरा खाता है कभी मेरे मुंह पे चढ़ता है। एक चीज
चीज़ और, स्पीति जब आप आओगे, इनफैक्ट स्पीति लद्दाख ऐसी सारी जगह, द एयर इज़ वेरी थिन एट ऑल दीज प्लेसेस, तो आपको सन बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है स्किन पे, तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर वेरिंग गुड सन ग्लासेस एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन. मैं हमेशा लगा के आती हूँ बट फिर भी टैन तो होती हूँ, बट स्टिल लाइक सनस्क्रीन वो डेफिनेटली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता ही है. दिस इज प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट स्पीति. इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, एंड फॉर समबडी लाइक मी हु इज़ बहुत ज़्यादा एलर्जिक टू डस्ट, इट बिकम्स प्रॉब्लम. बट ठीक है, प्यार में इतना सेक्रीफाइस तो बनता है ना, एंड एज आई से स्पीति प्यार है तो इतना बनता है. ये वापस से मैं मोनास्ट्री वाली लेन में ही चल रही हूँ. छोटी सी जगह है, लाइक लिटरली बहुत ही छोटी सी जगह है. आप 20 मिनट्स में पूरे टैबो का चक्कर लगा सकते हो. इधर साइड पे कुछ दुकानें हैं, तो आई एम फीलिंग अ लिटिल हंग्री एंड चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है. तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू फाइंड अ शॉप हियर फॉर चाय और समथिंग. देयर इज़ वन SBI बैंक हियर एंड ऑल्सो देयर इज़ एन ATM, बट मैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि यहाँ के ATMs मोस्टली काम नहीं करते. आई डोंट नो अबाउट टैबो, बट काजा का ATM इट डिडंट वर्क एट ऑल लास्ट टाइम. दिस टाइम सैडली आई डू नॉट हैव एन ATM कार्ड, तो मैं ट्राई भी नहीं कर सकती. मुझे नहीं पता काम करता है या नहीं, बट इतना बता दूँ कि यहाँ पे एक ATM है. या देर आर टू शॉप्स हियर. क्या जी, केक 25 होना, सॉरी 20 रुपीज़. हाँ, अभी टैबो में नन ऑफ द कैफेज आर ओपन. लोकल्स कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ओपन हो जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ कुछ भी ओपन नहीं है. तो अगर आप होम स्टे में रुक रहे हो तो वहाँ पे ही आप खाना खा सकते हो. इन केस यू आर स्किपिंग योर लंच एट द होम स्टे, देन यू हैव टू सर्वाइव ऑन समथिंग लाइक दिस. इट्स एक्चुअली वेरी गुड, इट्स लोकल केक. Back to the homestay. So this is the place where I'm staying. We are paying 1100 per head per day, which includes our dinner and breakfast, which is still okay. I don't think so. It's too expensive either, considering the fact ये स्पीति है और ये winter के time पे आप यहाँ पे हो. Rule number one, जूते निकाल दो. You do not want to make the carpet dirty. Hi. So we have a lovely host here. Yes, Tenzin खाना बनाते हुए. क्या बना रहे हो आप? हाँ, चिकन बना रहा हूँ. ये डस्टबिन में मैं डाल दूँ? हाँ डाल दो. ये डस्टबिन डाल दो आप. खाने में कितना टाइम है? मेरे को नींद आ रही है. अच्छा, एक घंटा तो लगेगा. ठीक है, तो मैं ऊपर ही हूँ, आप बुला लेना मेरे. कोई बात नहीं, लेट तो नहीं हो ना? नहीं. It has gotten so windy outside. अचानक से बहुत तेज हवा चल रही है. Can you hear the sound of the wind? This is my room. Pretty much in mess. The good thing is I have a heater also. Shut it before it gets too cold. मैं अभी एक घंटे के लिए सो जाती हूँ, because I'm not feeling well today. I'll wake up and then have dinner. Look at my halat, and I still have 4-5 days of journey more to do, so I cannot take a risk. Good morning. Okay, the camera quality might not be very good because I'm shooting on my phone. Camera charge कर रही हूँ मैं. So I'm feeling much better, except my voice that you can feel. This is the condition of my room right now, and I'm going to get freshen up. यहाँ पे जो bathroom है अभी because of winter बंद है, attached वाला, so there's a dry toilet, and we have to go all the way down. Let me show you guys. That's the common toilet and bathroom.
that we have to manage. तेंजिंग आप क्या बना रहे हो नाश्ते में आज? टिबेटन रोटी। टिबेटन रोटी? हाँ जी। वाह, ये अलग होती है। हाँ जी, थोड़ी जैसे ठीक होते हैं। तेंजिंग इज वेरी नाइस, आप इनके होम स्टे में आओगे, बहुत अच्छा ख्याल रखा है इन्होंने हमारा। थैंक यू, थैंक यू। एंड हियर इज द फूड इन प्रिपरेशन। ओके, चलते हैं अभी यहाँ से। सो दिस इज टिबेटन रोटी, लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी ईट। दिस आलू की सब्जी, something different than bread omelette and aloo paratha. I'm very happy. So guys, it's time to leave from Tabo. Toh bahut zyada hai and I do not want to wear my shades. Anyway, ye dekho yahan pe pani aise store karke rakhte hain kyunki winters mein pani tap ke andar freeze ho jata hai. Toh that's how they store the water. Ye mera homestay tha Tabo mein. Very beautiful place and the host here, Mr. Tenzing, is like वेरी गुड होस्ट। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टू काजा जाएंगे। वन मोर थिंग, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगातार अपलोड कर रही हूँ तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेट है या नहीं है। जियो बहुत अच्छा काम करता है, जियो के 4G सिग्नल तक आते हैं। आई हैव BSNL का नंबर, तो BSNL में सिग्नल है बट यू विल नॉट गेट द इंटरनेट, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। माई टू बैग्स एंड योर वाटर। जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। रामू, डोंट यू डेयर कम टू मी यू बैड बॉय। चल चल, आजा आजा आजा। ये लो भाई, हमारा VIP गेस्ट आ गया है। सो गाइस, जाते जाते एक बार मैं आपको तेंजिंग से मिलवाती हूँ, हु हैज बीन माय होस्ट हियर इन टाबो। ये है तेंजिंग। आपके होमस्टे का नाम मैंने बताया नहीं। हाँ, इस गक्की होमस्टे इन ताबो। लैंडमार्क कुछ होगा तो आप बता दो। इस नियर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और साथ में गवर्नमेंट स्कूल भी है साथ में। ओके, एंड इट्स अ कोजी प्लेस। इट इज, यस। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यू हैव बीन सच अ ग्रेट होस्ट। मैं ये कैमरे पे नहीं बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट सो आई कैन डेफिनेटली मेक आउट लाइक विच पर्सन इज जेन्युइन एंड हु इज जस्ट फेकिंग इट। तो थैंक यू सो मच तेंजिंग। और आप लोग भी इनके चैनल हैं जो देसी गर्ल ट्रैवलर, ट्रैवलर को उसे सब्सक्राइब करें और इन्हें इनके व्यूज को बढ़ाएं काफी आप। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं टाबू आऊंगे फिर आपके पास आती हूँ मैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच तेंजिंग, थैंक यू सो मच। So time to say bye to Tabo. So stay tuned and do like the video, subscribe to the channel, do press the bell icon. Meri tabiyat thodi si kharab hai to ye wala voice ko aap mind mat karna. And I'll see you guys in the next episode. Please comment karke batana aapko ye video kaisi lagi. Chalo, tata. Ramu the boy, get inside the car. Oh Ramkali. No.